हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बना रही हूँ मैं सेकेंड ब्लॉग, पर है एक्चुअली ये डे वन इन राजकोट। तो फर्स्ट ब्लॉग में आपने देखा हम लोग यहाँ पर आए, उसके बाद से मैं ये सेकेंड ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो लंच वंच करके हम लोग सो गए थे, ये भी सो रहे हैं क्योंकि कल रात भी बहुत हम लोग जगे थे लेट तक, और सुबह जल्दी उठ गए और आने के बाद में खाना वाना खा के थोड़ी हमने बातें की और सब लोग, और फिर हम लोग सब लोग सो गए। तो ये तभी भी सो रहे हैं और अब मैं उठी हूँ। शाम को भी चाय वाय पी के ना जाना है हम लोगों को गिनी के घर में, तो मिलने मिलने जाना है। थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मैं आपको अपने इन-लॉ से भी मिलवाती हूँ। और इतनी अच्छी नींद आई ना, इतनी ज़्यादा अच्छी नींद आई क्योंकि दो रातों से ठीक से सो ही नहीं थे। एक दिन जिस दिन फ्लाइट लेनी थी उस रात को भी सो नहीं पाए थे बहुत देर तक, और कल रात भी सो नहीं पाए थे। तो अभी जो सोए हैं ना 2 घंटे, भाई साहब मस्त नींद आई। फटाफट दिखाती हूँ आपको कुछ ज्वेलरीज जो कि बहुत सुंदर है दिखने में, काफ़ी बारीक काम है उसका, डिज़ाइन भी अच्छा है और हाँ प्राइस भी अफोर्डेबल है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आप एक दो दिन के लिए किसी फंक्शन से पहनना चाहते हो तो डेफिनेटली अफोर्डेबल प्राइस वाला ही आप देख रहे होगे। तो चलिए क्विकली आपके साथ में कुछ ज्वेलरी शेयर करती हूँ, सभी का लिंक तो दिया हुआ है इनकेस अगर आपको खुद के लिए परचेस करना हो तो। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बैंगल्स कम ब्रेसलेट है, स्प्रिंग का है ये, तो साइज़ का कोई इशू नहीं है, आप आराम से इसे पहन सकते हो। ऑक्सीडाइज्ड है तो मुझे तो ये दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था, किसी भी ट्रेडिशनल वेयर पे आप इसे कैरी कर सकते हो, सुंदर लगता है काफ़ी। इसकी यूनिक डिज़ाइन लगी मुझे, इसमें घुंघरू वाले लटकन है तो बहुत ही यूनिक लगता है ये। नेक्स्ट ये है कुंदन का इयररिंग, तो गोल्ड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में है ये, तो किसी भी ट्रेडिशनल वेयर पे आप इसे कैरी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ फुल सेट है ये जड़तर का, तो इसमें आपको मिल जाता है एक चोकर, साथ में एक लंबी वाली नेकलेस, उसके साथ में इयररिंग और मांग टीका। तो जड़तर और मोती के कॉम्बिनेशन में ये बहुत हैवी लगता है, किसी भी सलवार सूट पे, साड़ी पे या फिर आप इसे लहंगे पे कैरी कर सकते हो, शादी वगैरह हो फंक्शन हो तो काफ़ी सही लगेगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। आपने अगर मेरा दिवाली व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने ये पहना था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगेन कुंदन की इयररिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसमें आपको व्हाइट और रेड नग वाले मिल जाते हैं, जो भी आपको आपके ड्रेस से मैच करता हो पहन सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ सेट ऑफ टू में आता है ये वाला बैंगल्स, तो इसमें आपको डायमंड का वर्क किया हुआ है, गोल्ड इसका बेस है, दिखने में बहुत ज़्यादा आई कैची लगता है, हल्का फुल्का भी है, आप चाहो तो इसे किसी भी ट्रेडिशनल वेयर पर कैरी कर सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर और मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो ये वाला सूट पहना है, कंफर्टेबल है। अच्छा यहाँ अंदर में खोली नहीं को? नहीं, पांच चार खोली नहीं को। मतलब खाली हाईवे ऊपर अच्छा है। तो ये हम लोग जहाँ पे आए हैं ये अंगद के बड़े पापा का घर है, तो अंगद के दो चाचा जी हैं, एक तो अब रहे नहीं जिनके यहाँ पे हम लोग आए हैं, पर यहाँ पे चाची रहती हैं, इनके बेटे हैं, बहू हैं और एक पोता है, और एक और चाचा जी हैं वो भी बड़े पापा ही हैं, तो वो जो वाइट शर्ट में यहाँ बैठे हैं ना वो, तो जो मेरे डैड हैं वो सबसे छोटे वाले भाई हैं। तो हम लोग इनके घर आए हुए थे, साथ में मिले और चाय नाश्ता किया, तो हमने कहा था कि हम यहाँ पर बहुत ही लाइट नाश्ता करेंगे क्योंकि अभी राजकोट में ना 9 बजे कर्फ्यू लग जाती है, तो हमारा प्लान ये था कि 9 बजे तक में इन से सबसे मिलकर घर चले जाएंगे, और डिनर में मॉम ने चाइनीज बना रखी थी तो वहां पे डिनर करेंगे, पर यहाँ पे भाभी ने और बड़ी मम्मी ने इतना कुछ खिला दिया कि पेट तो यहीं पे हमारा भर गया, इतना टेस्टी था और सब कुछ घर पे बनाया था, सैंडविच था, 2 टाइप का सैंडविच था और इतनी टेस्टी चटनी थी, 3-4 तरह की चटनी इन्होंने बनाई थी, मुझे तो बड़ा ही मजा आता है। तो मैं जब भी आपसे बातें कर रही हूँ सिर्फ खाने की बातें कर रही हूँ क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, काफी प्यार से सब आपको खिलाते हैं बातें करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं और फैमिली
टाइम स्पेंड करते करते यहाँ पे मॉम डैडी एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, और हम लोग सब लोग यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से ठाके मार के हंस रहे थे। तो ऐसे ही करके यहाँ पे बहुत अच्छा समय बीत जाता है, हंसते खेलते खाते पीते, और बहुत मज़ा आता है। यहाँ जो आपको ये दो बच्चे दिख रहे हैं, ग्रीन टी शर्ट में है, ग्रे टी शर्ट में है, ये दोनों ही जेठ के बेटे हैं। तो अलग अलग दो जेठ हैं उनके ये बच्चे हैं, एक इंजीनियरिंग में है और दूसरे ने अभी जस्ट 10th देना है। तो ये हम लोग को यहाँ पे हंसा रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे हंसी ज़ोर ज़ोर से आती है, और मेरा ठहाका तो आप जानते ही हो, एक बार शुरू होता है तो फिर ख़त्म ही नहीं होता है। They were cleaning their shop, right? So she stepped on his finger. So he was injured for 3 to 4 months. And that is proven. You can ask him also. Even doctor refused that this cannot be repaired. Now just imagine an elephant stepping on end. It swelled up and it got double the size before. कैसे भाभी घर में ऐसा बनाते हो, एकदम बाहर का लग रहा है, एक जरा भी नहीं लग रहा कि घर का है। क्या बात अच्छा है, मेरा सब कैसे सीखा, कैसे कैसे? मैं तो बहुत साल से बना रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है कैसे सीखा। क्या बात। अंगद, ये जो आइसक्रीम है ना, भाभी घर पे बनाते हैं, घर पे बना, होम मेड है, तो जस्ट ट्राई। हम लोग शेयर कर लेंगे, नहीं नहीं आप खाओ, मुझे नहीं खाना, अभी हम लोग जस्ट घर आए हैं खा पी के, इतना कुछ खा लिया ना, मेरा तो हालत खराब हो गया, और इतना टेस्टी था ना कि मैं खाती रही। और वो जो आइसक्रीम मैंने आपको दिखाया, सोची उन्होंने घर पे बनाया, और कैसा टेस्ट था, सुपर था, मतलब कोई डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हैंडमेड है, होममेड है, इतना टेस्टी था ना, मैं क्या बताऊं, अगर मुझे टाइम होता ना तो मैं उसका रेसिपी लेके आप लोग को बताती, लेकिन अभी तो बना नहीं सकते, बहुत मजा आया। और फिर लॉकडाउन है ना यहाँ पे ना, नाइट कर्फ्यू है राजकोट में, तो रात के 9 से सुबह 6 बजे तक में सब कुछ बंद रहेगा, वरना हम लोग नाइट में भी घूमते तो आपको थोड़ा घुमाते, पर हम लोग घर आ गए 9 बजे। लेकिन हाँ, एक दिन जाएंगे शाम को कहीं घूमने, थोड़ा बहुत सिटी घुमाएंगे आपको भी, बहुत ही अच्छा है मेरा ससुराल, मतलब एज अ सिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइवली है। तो अभी आए हैं, और एक्चुअली इधर का नाइट लाइफ ही ज्यादा एंजॉयबल, हाँ बहुत अच्छा है, पर वही हम लोग 6 से 9 बजे जितना घूम पाएंगे घूम लेंगे। तो अभी खाना खाने का तो है नहीं, फिर भी मॉम ने चाइनीज बनाया था, पर बना तो दिया था, पर वहाँ ज्यादा खा लिया, नाश्ता ही हैवी हो गई, तो अब सोच रहे हैं सूप वगैरह गर्म गर्म पी के सोएंगे, तो लेट से थोड़ा सा, पर सूप पी लेंगे, तो जब सूप आएगा तो मैं दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी बनाती है चाइनीज मंचूरियन वगैरह, तो अब कल खाएंगे मंचूरियन, क्या करें, और मैं इतना थक गई हूँ, पर मजा बहुत आता है। मसाज देने वाली है किसे, इस औजार से। मुझे दिन में कह रहे थे यहाँ बाल खुजलाओ ना, मेरे ऐसे ऐसे अच्छा लगेगा, मैंने कहा इसीलिए नाखून बड़ा है तो अब इसका फायदा लेंगे ना, मैंने यहाँ पे मसाज करवाया, इसीलिए मैंने नेल्स करवाया। वो पॉइंटेड वाला करवाना चाहिए था इसमें। कितना टेस्टी लग रहा है ये सूप, देखो अंगद अच्छा बिजी है, छोड़ो कुछ नहीं, सब खाना इतना टेस्टी है ना, रूटीन में ही है। अब काढ़ा देखो, दिस इज फॉर सूप, ये तो काढ़ा, ये काढ़ा है। हाँ, ये कैसे बनाया मॉम काढ़ा, मैं बताती हूँ, अभी तो मैंने बहुत तीखा कम किया है। नाइस में हूँ मैं, ऐसे शूटिंग कर रही हूँ। मॉम एकदम ही कॉन्शियस हो गए, अभी तो मैंने
चखना है ये काढ़ा चखना है। हाँ मैं चखूंगी। हाँ तो मैं अच्छा इसमें कड़ी पत्ता है ना ये कड़ी, नहीं, कड़ी पत्ता है। नहीं है तुलसी है। अच्छा तुलसी है बेसिल है। चाय चाय मसाला अदरक सूंठ इलायची पाउडर तज पाउडर साकर खड़ा साकर। हाँ मतलब गुड़ ना गुड़ नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं क्रिस्टल आता है क्रिस्टल। अच्छा अच्छा व्हाइट व्हाइट कलर का। हाँ 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 वही। The next day क्या है ये फेवरेट है ये चोरा फली है। चोरा चोरा फली चोरा फली। अच्छा चोरा फली। क्या अंगद मजा आ रहा है? हाँ। ये क्या है? ये करेला है। करेला का फेवरेट है करेला। मतलब सिर्फ नाम करेला दिया है। और ये सकल पाव का चेवड़ा है। अच्छा ये नॉन फ्राइड नॉन फ्राइड है। हाँ ये मम्मी का स्पेशलिटी है। अच्छा, ये मैं बेचती हूँ। अच्छा, अच्छा, बहुत मिलता है। और ये हमारे गुजराती का खाखरा है मेरी फ्रेंड ने भेजा है। ये थेपला है। क्या बात है। ये और ये उसके बाद आगे काम करेंगे क्योंकि इन्होंने नाश्ता फिनिश होते ही लंच की तैयारी शुरू कर दी है। और नाश्ता तो आपने देखा ना कितना सारा वैरायटी था। हम तो खा खा के मतलब अब बहुत टेस्टी बनाती हैं सब कुछ। तो आज मैं इनका एक रेसिपी भी शेयर करूंगी आपके साथ पर पहले इनसे बात करवाती हूँ। हाय एवरीवन आप कैसे हो? ये कैमरा पे फर्स्ट टाइम बातें कर रही है ना तो इसीलिए ऐसा। और इनकी हिंदी ये बोलती हैं अच्छे से बोलती हैं तो थोड़ा थोड़ा गुजराती आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आ जाएगा भाई थोड़ा वो आपको समझना पड़ेगा समझना पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक दो बातें। एक तो इनकी आप स्किन देख लो इतनी अच्छी इनकी स्किन है ना इस एज में भी। मैं जब भी मिलती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि आपकी स्किन इतनी अच्छी आप लगाते हैं क्या? सीक्रेट क्या है आपकी स्किन का? और ये कहती है मैं तो कुछ नहीं करती मैं तो ऐसे ही हूँ। देखो आप देख लो एक भी रिंकल्स नहीं आएंगे आपको। वैसे रिंकल्स नहीं आएंगे एज भी बहुत कम है ऐसा मत सोचिएगा। एज बहुत ही कम है मेरी मॉम की लेकिन आप स्किन देखो और क्या मस्त तैयार हुई है ये देखिए। और ऐसी ही रहती है मतलब इनका तो देखिए बिजनेस वाले लोग हैं ना तो इनको थोड़ा सा अच्छे से तैयार होकर प्रेजेंटेबल रहना होता है। हमारे जैसा नहीं कैसे भी हम लोग देखो आ गए। और बताइए मॉम। बस मैं बिजनेस करती हूँ मेरा वेस्टर्न वेयर का शॉप चलाती हूँ मैं। ऐसी चीज आती है अलग अलग कंट्रीज की आती है ना। हाँ मैं बर्मीज थाई मैक्सिकन चाइनीज क्लास कराती थी पहले कैंडल क्लास कराती थी तो थाई मैक्सिकन ये सब मैं बनाती हूँ। और ऑथेंटिक ऐसा नहीं कि बनाने के लिए बहुत ही ऑथेंटिक बनाती है। और गुजराती में भी तो खैर एक्सपर्ट है बनाने में वो तो खैर कहने की बात नहीं है। सुरती ओंधिया ये तो मेरा फेवरेट है सबको अच्छा लगता है पूरे मेरे फैमिली को। अभी थेपला खाया हमने थेपला इतना पतला इतना क्रिस्प रहता है ना कि आपको ऐसे ऐसे तोड़ते ही टूट जाएगा लगेगा ही नहीं कि मतलब कैसे बनाते हो इतना पतला हाथ से। बहुत ये तो गुजराती का फेवरेट है थेपला खाकरा ये सब। हमारे गुजराती में तो पहले थेपला खाकरा आता ही है। मैं सब बनाती हूँ ऑयल के बिना भी रेसिपी बहुत बनाती हूँ के हेल्थ कॉन्शियस रेसिपी में बनाती हूँ तो सबको अच्छा लगता है। तो मैं मेरे हस्बैंड भी फूडी है मैं भी फूडी हूँ तो मैं एक्सपीरियंस करती रहती हूँ मेरे हस्बैंड पर और बनाती रहती हूँ तो सबको अच्छा लगता है। खाना बनाती हूँ कुछ इधर उधर होता है तो बोलते हैं कि आप ये चेंज करो तो मैं कर लेती हूँ। नहीं जबकि एवरीडे लाइफ में तो कुक बनाती है ना खाना। एवरीडे लाइफ में कुक बनाती लेकिन है। जब स्पेशल कुछ बनाना होता है वीकेंड है या बिजनेस अभी क्लोज रखा है और लॉकडाउन में तो क्लोज ही था सबका सब कुछ तो पूरा एकदम मस्त में बनाती है सब कुछ। और ये लॉकडाउन में हमने पूरा घर सफाई किया और यहाँ बहुत एल्डर रहते हैं 5 टावर है ना यहाँ
तो बहुत एल्डर रहते हैं, तो उसको थोड़ा मैं हेल्प करती थी, बाजार से सब्जी लाना, करियाना लाना, और कुछ घर में भी हेल्प करना है, तो मैं सबको हेल्प करने के लिए चली जाती थी। तो मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना। मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, तो उसका योगा मैं कराती थी। अब मैंने 15 साल से छोड़ दिया है, लेकिन मैं करती हूँ मेडिटेशन। सुबह 4 बजे उठकर भी मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है योगा। और हेल्थ के लिए योगा और मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अभी मैं प्राणिक हीलिंग का हीलिंग करती हूँ, और उसका भी मैं टीचर हूँ। तो मैं मतलब ये साइड भी, मतलब बिजनेस भी देखती है, और ये जो अभी बोल रही है ना टीचिंग वगैरह, इसके लिए वीकेंड को कभी करते हो आप? वीकेंड को जब मतलब संडे को, हाँ संडे को फ्री रहते हैं ना, उस दिन ये सब कर लेते हैं। और मैं इनका वो काढ़े का रेसिपी जरूर बताऊंगी पूछ के। इन्होंने घर में काढ़ा बनाया ना? हाँ काढ़ा बनाती हूँ मैं, अलग अलग काढ़ा बनाती हूँ। तो लॉकडाउन में सब लोग जेंट्स नीचे मीटिंग करते हैं, तो रोज अलग अलग काढ़ा मैं पिलाती थी। सब 15-20 जेंट्स बेचते थे, तो मैं अलग अलग काढ़ा बनाती थी, तो सबको अच्छा लगता था। और इनका मुखवास जो होता है ना, वो भी घर में बनाया है। हाँ, मैंने घर पे हेल्थ कॉन्शियस मुखवास है, ये वाली। ये कैसे बनाया मॉम? ये जीरा है, तो हमारे बॉडी के लिए ठंडा रहता है, तो जीरा है उसमें, और अजवाइन है, तो अजवाइन भी हेल्थ के लिए, पेट के लिए अच्छा है, तो अजवाइन डाला है। और डिलीवरी में सुवा दाना बोलते वो खाते, तो वो भी है। तो ये सबको अलग अलग नमक और हल्दी डाल, नींबू डाल के मैं थोड़ा पानी डाल के भिगो देती हूँ, और 1 घंटे के बाद मैं उसको सेक लेती हूँ, तो अच्छे से वो मुखवास हो जाता है, और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, तो गैस नहीं होता। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत टेस्टी भी है। ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं है, टेस्टी भी है। मैंने तो खाया, बहुत ही सही है, इतना बना करके इन्होंने रखा है।